हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलोनी ने अपने बेटे विवेक की शादी आस्था नाम की एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक ख्यालों वाली लड़की से की थी, जिसका एक ही एजेंडा था, बी पॉजिटिव। कोई लड़ाई हो या कोई भी परेशानी हो, आस्था ने हमेशा से ही अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं को जन्म दिया था। उसकी इसी आदत से सभी घर वाले भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी आस्था की ननद ऋतु वहाँ आती है और बोलती है, भाभी भाभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पर क्या हुआ ऋतु, मुझे बताओ। भाभी आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, मुझे पिंक साड़ी पहनकर जानी थी, पर उसके साथ का ब्लाउज और ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या करूं? अरे रितु, जरा सी बात का हवा बना दिया। बी पॉजिटिव रितु, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम से बैठो, नाश्ता करो, मैं हूँ ना, सब देख लूंगी। और तुम आज पिंक साड़ी ही पहन कर जाओगी। अपनी भाभी की बात सुनकर रितु की घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद विवेक ऑफिस के लिए निकल जाता है और आस्था रितु के कमरे में हाथों में कुछ गहने और ब्लाउज लिए हुए आती है, जिसे वो रितु को दिखाते हुए बोलती है, रितु देखो मैं तुम्हारे लिए ये सब लेकर आई हूँ, तुम अपने पिंक साड़ी के साथ ये ब्लू कलर का ब्लाउज और ये गहने पहनो, एकदम परफेक्ट लगेंगे। नहीं भाभी, ये कुछ अलग सा लगेगा। बी पॉजिटिव रितु, सब ठीक होगा, भरोसा रखो खुद पर भी और मुझ पर भी। इतना कहकर आस्था रितु को अपने हाथों से रेडी करती है और जैसे ही रितु खुद को शीशे में देखती है, तभी वो बोलती है, वाओ भाभी मैं तो सच में बहुत सुंदर दिख रही हूँ, थैंक यू भाभी। मैंने कहा था ना रितु, बी पॉजिटिव, सब ठीक होगा। अपनी भाभी को बाय बोलकर रितु अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए घर से निकल जाती है। वक्त बीतता जाता है, आस्था की सकारात्मक सोच उसे हर प्रॉब्लम का हल आसानी से निकालने में मदद किया करती। ऐसे ही एक दिन विवेक बहुत ही उदास चेहरा लिए हुए घर आता है और उसे ऐसे परेशान देखकर आस्था उससे बोलती है, सुनिए जी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? आस्था, मेरी कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं, घर का खर्च कैसे चलेगा, रितु की शादी कैसे होगी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, एक लंबी सांस भरिए, बी पॉजिटिव, सब ठीक है, हम सब है ना आपके साथ। अभी तक तो आप अकेले कमा रहे थे, लेकिन अब हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। नहीं हो पा रहा हूँ मैं पॉजिटिव यार, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, माँ को क्या कहूँ, रितु से क्या कहूँ। उनको सच बताइए, सुनिए, सब चीजें छोड़कर आप ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, क्योंकि जब तक हम अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हम उन परेशानियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बी पॉजिटिव। तुम सही कह रही हो आस्था, थैंक यू, मुझे तो समझ ही नहीं आता है तुम हमेशा इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेती हो। क्योंकि मैं हूँ ही बी पॉजिटिव, और आपको पता है मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। इतना कहकर आस्था विवेक को गले लगाती है और विवेक की मदद के लिए वो घर के पास की ही एक आंगनवाड़ी में पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। साथ ही विवेक की जॉब जाने की खबर सुनकर रितु भी घर में मदद के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ वक्त यूं ही सब लोग मिलकर घर को संभालते हैं, साथ ही विवेक को भी एक नई जॉब मिल जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर सलोनी रितु के भी हाथ पीले करके उसे उसके ससुराल भेज देती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और आस्था की तबीयत अचानक ही खराब रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो घर का काम कर रही होती है और तभी उसे बहुत जोर से खांसी आने लगती है और उसे ऐसे देखकर सलोनी बोलती है, बहू मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू आराम किया कर, पर नहीं, तुझे तो मेरी बात माननी ही नहीं है। माँ जी बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सर्दी जुखाम है, ठीक हो जाएगा। अरे बहू थोड़ा हो या ज्यादा, तू आराम कर बेटा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, तुझे कुछ हो गया तो मैं यूं ही मर जाऊंगी। माँ जी बोला ना, बी पॉजिटिव, नहीं होगा कुछ भी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।
अब जल्दी से अपने कमरे में जा और आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर सलोनी आस्था को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद सलोनी आस्था के लिए कुछ फल काटकर प्लेट में रखकर उसके रूम में ले जाती है। तभी वो देखती है कि सलोनी जिस रुमाल को अपने मुंह के आगे रखकर खांस रही है उस पर खून लगा है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और बोलती है, बहू ये क्या हुआ, तू चल अभी डॉक्टर के पास, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ जी बी पॉजिटिव, कुछ नहीं हुआ है, वो तो लिपस्टिक मेरे होठों पे लगी थी तो रुमाल पे लग गई। बहू तो मुझे पागल मत बना, ये खून लगा है। माँ जी सच कह रही हूँ, यकीन करो मेरा, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। आप ये फल यहीं रख दो और अपने कमरे में जाकर आराम करो, खामखा इतनी चिंता करती हो। कितनी बार कहा है बी पॉजिटिव, मुझे कुछ नहीं होगा, आप अच्छा सोचो अच्छा होगा, और अब मेरी बात मान लो और अपने कमरे में जाकर आराम कर। आस्था जैसे तैसे पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाकर अपनी सास को वहाँ से भेज देती है। दिन गुजरते जाते हैं पर आस्था की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, जिसके चलते विवेक और सलोनी आस्था को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहां आस्था के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और रिपोर्ट्स आने पर पता चलता है कि आस्था को लास्ट स्टेज का कैंसर है। ये बात सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर बाद जब सलोनी और विवेक आंखों में आंसू लिए हुए आस्था से मिलने उसके पास जाते हैं, तभी उनको देखकर आस्था बोलती है, अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, मैंने कितनी बार कहा है ना बी पॉजिटिव, फिर क्यों रो रहे हैं, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ देखो। आस्था तुम जानती भी हो तुम्हें कौन सी बीमारी है? हाँ मैं जानती हूँ, मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है और मैं बस थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। बहू तुझे पता था कि तुझे ये बीमारी है, फिर भी तूने हमें नहीं बताया, उस दिन भी तेरे रुमाल पर खून लगा था पर तूने मेरी बात को मानने से साफ मना कर दिया। माँ जी विवेक जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों के अंदर कोई भी नकारात्मक ख्याल आए, अमर होकर कोई नहीं आता है, जो आया है उसे तो जाना ही है, फिर चाहे उम्र कम हो या फिर बूढ़े हो। और हाँ ये जो आंसू आज आपकी आंखों में है ना, इन्हें यहीं रोक लीजिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए, मेरे पास जितना भी वक्त बचा है ना मैं उसे खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। कैसे आस्था कैसे ना रोए हम, तुम्हारे जितने पॉजिटिव नहीं है, तुम्हें पता है तुम कुछ महीनों बाद नहीं रहोगी, फिर भी ऐसे समझा रही हो हमें, क्यों हो तुम ऐसी? विवेक जी मैं भी आप लोगों जैसी हूँ, मुझे बस इतना पता है कि जो वक्त बचा है मुझे बस खुश रहना है, जिंदगी खत्म हो रही है तो उसे रो रो कर क्यों बिताऊं, थोड़ा खुश रह लूंगी तो क्या चला जाएगा, इसलिए बी पॉजिटिव। आस्था की बात सुनकर विवेक और सलोनी अपने आंसू पोंछ लेते हैं और उसके सामने मुस्कुराने लगते हैं। उनके हंसते हुए चेहरे देखकर आस्था की पॉजिटिविटी वाइब्स बनी रहती है। ऐसे ही एक दिन आस्था अपनी लाइफ के अंतिम चरण पर आ जाती है, तभी वो विवेक और सलोनी से बोलती है, माँ जी विवेक जी अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरे पास ज्यादा पल नहीं बचे हैं कि मैं आपके साथ हंस खेल सकूं, मेरा सफर यहीं तक का था, मुझसे वादा कीजिए कि आप सबको जब भी मेरी याद आएगी आप रोएंगे नहीं, बस हमेशा अपने दिल पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे बी पॉजिटिव, हमेशा याद रखना नकारात्मक सोच इंसान के अच्छे ख्यालों को मार देती है, इसलिए हमेशा अपने अंदर सकारात्मक सोच बनाए रखना। ऐसे ही हंसते हंसते और बी पॉजिटिव का जाप करते करते आस्था अपने परिवार को अलविदा कहती है। आस्था खुद तो दुनिया छोड़कर चली जाती है पर वो जाते जाते विवेक और सलोनी में ऐसी सकारात्मक शक्ति भर देती है कि वो कभी भी किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ते। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।